नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु मंगल बेबीलोन हॉस्पिटल से ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे फिर एक बार उपस्थित हुई हूँ। आज हम फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हमारी जो सीरीज़ चल रही है जर्नी ऑफ द प्रेगनेंसी में, तो आज मैं फोर्थ मंथ के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया था, फोर्थ मंथ में एक्चुअली प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी एडवांस हो जाती है और प्लेसेंटा जो है, जो जिसको हम हिंदी भाषा में अमरबेल भी कहते हैं, वो पूरा एस्टेब्लिश हो जाता है, पूरा बन जाता है। तो प्रेगनेंसी को जो सपोर्ट है वो पूरा मिलने लगता है और अब हम उस क्रिटिकल फेज से जो फर्स्ट थ्री मंथ में होती है और थोड़ी नाजुक दौर से गुजर रही होती है, वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इस टाइम अगर अपन बच्चे के डेवलपमेंट का बात करें तो करीब 14 से 17 वीक्स आपका चल रहा है ये, और इसमें करीब 200 to 300 ग्राम का बच्चा हमारा होता है और करीब 5 to 6 इंच लॉन्ग होता है। और इस टाइम बॉडी पार्ट्स पूरे बन चुके होते हैं और हाथ पैर की उंगलियां हैं, आईलेशेस हैं, आईलिट्स हैं और टीथ हैं, हेयर्स हैं, ये सब ग्रो होने लगते हैं, जो कि एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर होते होते कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इस टाइम अब हमारी बात होती है क्योंकि बच्चा बन पूरा चुका होता है और ये ग्रोथ लेने का टाइम आ जाता है। तो इस टाइम हम बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मरीज माँ अच्छा न्यूट्रिशन लेगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा। और इस टाइम माँ भी, क्योंकि उसको पूरा स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी का, तो अगर माँ के लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। और इस टाइम अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हेल्दी माँ और हेल्दी बेबी का हम दे सकते हैं उनको। तो जो मैं बात करना चाह रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमें इस टाइम एक तो जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कैसे बढ़ जाती है। तो जो नॉर्मल आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो कैलोरी की होती है, उसमें प्रेगनेंसी के टाइम 300 कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। 1200 मिलीग्राम करीब कैल्शियम हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है और 30 मिलीग्राम आयरन हमको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। 700 to 800 माइक्रोग्राम हम फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट इस टाइम बढ़ जाती है। तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें सबसे पहले है कि हम जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में हमको चाहिए होते हैं बॉडी को, पर ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमको मिलते हैं, जैसे कि आप अगर सलाद लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं और जो फ्रूट्स लेते हैं, ये हमको उससे मिलता है, और नारियल पानी लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और आवश्यक हैं। अच्छा, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो हमारी नॉर्मल डाइट में प्रोटीन 30 to 40% होना चाहिए है, और कार्बोहाइड्रेट है वो 50 to 60% होना चाहिए और फैट करीब 50 to 20% होना चाहिए। तो जो सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में बताना चाहूँगी, तो प्रोटीन्स जो हैं, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल एज उसकी बॉडी के डेवलपमेंट और मदर में भी ब्रेस्ट टिश्यू और यूट्रस की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रोटीन्स जो हमें मिल सकते हैं, तो दो तरह के जो पेशेंट हैं, एक तो होते हैं वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस। तो जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं और मांसाहार नहीं लेते हैं, तो उनमें हम बहुत ही लिमिटेड वो है, पर अगर आप डेली कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि डेली हम ये फिक्स कर लें कि हमें एक कटोरी दाल खाना है, और हम डेली नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के स्प्राउट हम ले सकते हैं। नट्स हम डेली अगर एक फिस्ट लेते हैं, अगर हम एक मुट्ठी अगर हम नट्स खाने लगते हैं, जैसे कि उसमें 4-5 बादाम हो, एक अखरोट हो, 2-3 एक अंजीर का पीस हो, तो वो हमको बहुत फ़ायदा करेगा। और नॉनवेज जो लोग लेते हैं उनके लिए एग बहुत अच्छा सोर्स है। एग में भी अगर हम सिर्फ एग वाइट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि येलो वाला पार्ट कई बार बहुत गर्मी कर सकता है। उसके अलावा आप चिकन सूप ले सकते हैं, सप्ताह में एक या दो बार आप जो भी आप नॉनवेज में लेते हैं, फ़िश ले सकते हैं, सालमन फ़िश ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो हमारी इंडियन डाइट में वैसे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो हम दाल रोटी चावल जो भी हम खाते हैं, जो कि हमारी डेली स्टेपल डाइट है, उसी से ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कंप्लीट हो जाता है। आलू, शुगर, इन सब में ही कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फैट जो है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम फैट में एक तो होता है तेल और एक होता है घी। तो घी तो जो हम नेचुरल जो अपना चपाती पे लगाते हैं, जो आप छोंक देते हो दाल में, वो ठीक है। ऑयल हम बदल बदल के हमें लेना चाहिए, जैसे कि मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है और ऑलिव ऑयल है। तो ये हम रोटेशन में लें तो हमको सारी तरह के ऑयल से जो कंटेंट है वो मिल सकते हैं।
तो और उसके बाद आपका आता है एक फाइबर डाइट, क्योंकि इस टाइम कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहने लगती है मरीज को, तो अगर हम हमारी डाइट में थोड़ा फाइबर बढ़ा देते हैं तो उससे हमको रिलीफ हो सकता है। तो उसमें आप ऐसा करें कि एक तो सलाद, डेली सलाद की रिक्वायरमेंट डेली बढ़ा दें अपनी, डेली लेना है सलाद। दूसरा है कि आप उसमें जैसे ओट्स को ले सकते हैं, लौकी का आप ज़्यादा उपयोग करें, स्टफिंग करें पर सब्जियों की, लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे तो वो फाइबर डाइट हमारे ज़्यादा जाएगी। पानी का हमको ध्यान रखना है, पानी हमको बहुत कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है, और भी लिक्विड्स हम ले सकते हैं जैसे कि छाछ है, नारियल पानी है, तो इनसे हमको विटामिन और मिनरल्स भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ बेसिक जो नियम हैं वो आपके लिए ये हैं कि एक तो कोई भी बाज़ार के जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं और जो डिब्बा बंद फूड आते हैं उनका कम यूज़ करें, और आप घर पे बना हुआ जैसे अगर फ्रूट्स भी जूस भी ले रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट्स का जूस लें, जो डिब्बे में जो आते हैं जो वो वाले जूसेस ना लें। और जैसे चिप्स है, सोडा है, ये जो पेप्सी और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं इनका सेवन नहीं करें क्योंकि इनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। चाय कॉफ़ी भी हम कम, कोशिश होनी चाहिए कि हम कम से कम लें। तो इन बेसिक रूल्स का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी काफ़ी हद तक हम हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। और एक ये है कि आप अपनी डाइट को 6 भागों में डिवाइड कर लें, 3 तो माइनर डाइट और 3 मेजर डाइट। तो मेजर डाइट्स तो हैं कि नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, और माइनर डाइट्स में है कि आप नाश्ते से भी 1 सर्विंग पहले छोटी लें, चाहे फ्रूट्स की ले लें या कोई भी लिक्विड की ले सकते हैं, और बीच में जैसे फिर से एक फ्रूट ले लें, फिर एक सलाद ले लें, ऐसे करके अगर आप 6 सर्विंग में अपनी डाइट लेते हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और वैरायटी ऑफ फूड लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर फूड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप उस डाइट से बोर भी नहीं होंगे और आप आराम से अपना टाइम निकाल सकेंगे। आज मैं आपको न्यूट्रिशन, अगली बार हम फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मैं मुलाकात करूँगी। थैंक यू।